डॉक्टर की कहां से आ गया? बंद करो ये लाइट, भेजो डॉक्टर को। ए वापस जा, वापस जा मामा, नहीं जा वापस। लाइट बत्ती थोड़ी इधर मार, चल पीछे को आ जा। नहीं चल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है नहीं करने का है। सीधी तो तू बिल्कुल नहीं मारेगा छोटे, आई लव यू टू, आई लव यू फोर। कितने तक गिनेगा बता? आगे ये देखो, न्यू जर्सी में पुरानी जर्सी पहन के आया। नाम का ही न्यू जर्सी है क्या? अटलांटिक सिटी। ओह ला ला ला, आगे जुआनी लोग। ये देखो ब्लैक जैसा मुंह, ब्लैक जैक जैसा मुंह लेके बैठा हुआ है। खेलोगे ब्लाइंड खेलोगे? हाँ, बहुत टैटू देखने का बहुत मन है क्या? देख लो, लाभ होगा। बहुत ब्लाइंड खेला लगता है आपने। यहाँ पे जितना भी लोग आया हुआ है, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैटरडे नाइट को आप लोग इतना दूर आया है, गैस खर्च करके, गाड़ी चला के, ड्राइव करके, टिकट से ज़्यादा का टोल देके यहाँ पहुँचा है, वो भी एक नकली औरत को देखने के लिए। इतना बड़ा मुंह खोल लिया है, असली होती तो जान ही निकल जाता तेरा, ऐसे मुंह खोल के बैठा हुआ है। बाहर अभी तक काफी ट्रैफिक था क्या आज? हाँ, अभी तक लोग आ रहा है ये? अच्छा, बाहर पे खड़ा हुआ है। अच्छा, आ जाओ, अच्छा है। हाँ जी, थोड़ा ऑडियंस में लाइट मार ना मामा, थोड़ा देखें एक बार कौन कौन आया हुआ है यहाँ पे। मामा लाइट मार दे, ऑडियंस का थोड़ा सा बढ़ा दे। अच्छा लग रहा है, बहुत सारा लोग है। अरे उस ये जो लड़का बैठा हुआ है इधर, ये बच्चा, इसको पहचानते हैं हम? ये जो बच्चा है आपकी गोदी में जो बैठा है, हाँ बेटे, हाँ मैं बोल रहा हूँ, चुप कर जाओ।
हाँ बाद में बात करती हूँ बच्चे को। हाँ अरे वो वहाँ वो बच्चा बैठा है, ये चेक शर्ट में जो बैठा हुआ है, बड़ा प्यारा बच्चा है बेटा। हेलो हाथ खड़ा करो बच्चा, जो लड़का ये लड़का, हाँ हाथ खड़ा करो बेटा, खड़े हो जाओ सीट पे, खड़े हो जाओ सीट पे, खड़े हो जाओ खड़े, हाँ खड़ा इसको, सबको हाथ हिला के दिखाओ। हाँ ये लड़का अंडरवेयर नहीं पहनता है, वो पीछे वो चेक शर्ट में जो है वो पीछे जो लड़का, हाँ ये इधर लाइट मार दे मामा, जो चेक करते चल पीछे से तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, इधर 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 इधर, हाँ ये वाला, पापा की कॉपी करने की जरूरत नहीं है बेटा, बैठ जा। आप किधर जा रहे हैं शर्मा जी, पेट्रोल दिया हुआ है क्या? देखो हाँ देखो जीजा जी तो अब आए हैं यहाँ पे, लेट हो गया जीजा, क्या हो गया सीट नहीं मिल रहा है क्या? अब बैठ से मामा, सब लोग अभी तक आ रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, और हम आज यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पढ़े ही नहीं है, मेरी ब्यूटी किस काम की, हर बात पे ठिकी ठिके करते, हर बात पे ओके ओके करते, मेरे स्वीटू, मेरी जानू, मेरी शोना, मेरी मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया। फिर भी देखो कितनी कम पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ ऐसा मौसम होता तो नया प्लेनेट बना देते हम लोग। हमारा पति देखो कल फादर्स डे है, ये बन ही नहीं पा रहा है फादर, नन्हे हैं बिल्कुल, हर साल फादर्स डे आता है, हमारा मुंह देख के मना लेता है, हमने तो कह दिया इस बार अगले साल तक अगर तूने फादर्स डे नहीं मनाया तो हम मना लेंगे मदर्स डे कहीं और। हाँ सच में अभी बहुत हो गया, हमने कहा अमरीका में सेट कर लो, अच्छा है हो जाएंगे सेट, कहता नहीं, हमने कहा ड्राइविंग कर लो गाड़ी चला लो, कहते नहीं चला सकते, कहने क्यों नहीं चला सकते, कहते सड़क पर खड्डा नहीं है नींद लग जाता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, कहते फर्क क्या है यहाँ पे वैसे भी थूक नहीं सकते मुंह नहीं सकते सड़क तो गया, हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया है, दीमक की तरह खा रहे हैं हमको, क्या बताएं, बहुत ही नल्ले हम, बहुत सारा काम ट्राई किया लेकिन बात नहीं बन रहा है, बहन दिखाना चाहते हैं आपको क्या क्या काम ट्राई किया है हमारे हस्बैंड ने, ये देखिए स्क्रीन पे दिखा, माँ इधर लगा रखा है बड़ा बड़ा, हाँ ये देखिए इलेक्ट्रीशियन का काम किया था, प्रोजेक्टर बीच में फंसा दिया पंखा के, आज तक हवा में बैठ के पिक्चर नहीं देख पाया है कोई, बहुत ही नल्ले हैं। अगला वो वाला काम दिखा जो किया था इन्होंने, ये जो आप प्लम्बिंग का काम किया था, जिसने हाथ धोया है अपनी जान से हाथ धो बैठा है, अगला वाला देख लिया, आजा बैठ जा, बैठ जा, क्रिकेट खेलने आया है क्या, प्रोग्राम देखने आया है एकदम बैठ गया, अच्छा ये देखिए इलेक्ट्रीशियन का काम किया है, एक बार स्पीड सेट किया तो हाथ सेट नहीं हुआ है किसी का, वो वाला दिखा मामा जरा, अगला वाला ये दिखा, प्लम्बिंग का काम किया है, हमने कहा ये कैसा प्लम्बिंग का काम किया है, कहता लेडीज जेंट्स के लिए, हमने कहा ऐसा नहीं होता है, कहता एक साथ खाने में प्यार बढ़ता है तो एक साथ जाने में कितना प्यार बढ़ेगा, हमने कहा ऐसा नहीं होता है, पर्दा करना पड़ता है दरवाजा लगाना पड़ता है, तो देखिए पर्दा करके दरवाजा लगाया है, क्या दरवाजा लगाया दिखा दो जरा, हमने कहा ये क्या है, कहने लगे
पता तो चले कौन लेडीज है कौन जेंट्स है। शॉपिंग मॉल में भी प्लम्बिंग का काम किया था, वो वाला दिखा गया हमने कहा ये कौन तेरी माँ वाला ऊपर जाकर रिव्यू करेगा, कैसे यूज ही नहीं होगा कभी, कहता नहीं कहीं ऊँट ऊँट आ गया तो मैंने कहा भग यहाँ से, ऐसा नल्ले हैं लेकिन अब क्या करें ब्याह गए हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बड़ा ही मन करता है शादी वादी हो जाए, हो जाती घर से तो बात बन जाती, बात नहीं बन पा रहा है। आपका शादी हो गया? No. Now, what is your name? Rashan. Matlab? Sir, Rashan. Rashan. Name? Huh? Huh? Ek kaam batao. Baithe baithe, apna kaam kar lo. Baithne ka kaam hai. Idhar aa gaya to abhi lagta hai. आप किसके साथ आए हैं? मेरे हस्बैंड के साथ। ये आपके हस्बैंड हैं? उधार ले सकती हूँ इनको? इधर आइए एक मिनट, इधर आइए भाई साहब। सर सुनिए, आप आपको क्या आग लगी है? बात उनकी चल रही है, बात बात में खड़ा हो रहा है। मैं क्या है आपके? खड़े हो इधर, खड़े हो ये। हेलो हेलो हाय, आपका नाम? विजय है मेरा नाम और मैं हर वक्त जीतता हूँ। पेट्रोल भी क्या है क्या? कल को बाथरूम ध्यान से जाइएगा, टिश्यू पेपर पॉप करके चल जाएगा। इधर आइए विजय जी, इधर सिर से सिर मिलाइए। कहाँ रहते हैं विजय जी? मैं रहता हूँ फिलाडेल्फिया में, बहुत दूर से आया हूँ आपको देखने। धन्यवाद आप आए, बैठ जा मामा। विजय जी, हम कोई डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, एक तो अपना पेट अंदर करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो खुला इसको। एयर बैग लग्जरी गाड़ियों में ही होता है, इधर आइए। ये कुछ नहीं, हम डेटा ट्रांसफर नहीं, ये हमारे सिर में दो चू हैं, अंजू और मंजू। अभी अंजू मंजू के डैडी हैं आप, दोनों चू का ख्याल रखिएगा। फिर डेल्फिया शिफ्ट हो रही है हमारी बच्चियां, अंजू को ठंडे पानी से मत नहलाइएगा, छींक लग जाता है। और मंजू को यहाँ छोड़िए, ब्रुर करके चली जाएगी ऊपर, बैठोगे। अच्छा सुनो, हम यहाँ पे अकेले नहीं आए हैं, कुछ मैसेजेस लाए हैं आपके लिए। कुछ मैसेजेस लाए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। मामा मैसेज प्ले कर, इधर प्ले कर मैसेज। प्रधानमंत्री और एक्स प्रेसिडेंट यूएस कुछ कहना चाहते हैं, कहिए सर। वेलकम एंड गुड इवनिंग एवरीवन टू हार्ड रॉक कैसीनो एंड टुडे आई एम हियर। जो बिडन पाजी वाज बिजी एंड हु वाज स्ट्रांग एंड ऑन दिस ओकेजन आई लाइक टू रिक्वेस्ट द एक्स प्राइम मिनिस्टर टू से सम ऑसम बोलो कुछ आओ भाई आओ। आज तो बोलेंगे क्या लगाए हार्ड रॉक कैसीनो, इनको ये कैसीनो वाले कहते कि सर आप कोई गैम्बलिंग वगैरह करो। मैंने कहा जी मैंने तो कभी भी नहीं की गैम्बलिंग। कुछ कहते कि नहीं आप करोगे तो जीत जाना आपने। मैंने कहा वो क्यों? कहते आप पोकर खेलो, पोकर में जीतोगे क्योंकि आपका पोकर फेस है।
हमारे साथ है धर्म जी। सर कुछ कहिए सर, कुछ मैसेज दीजिए आप। भाई क्या मैसेज दूं, आज मैं आपको बताऊं, मैं हार्ड रॉक की रिसेप्शन पे गया, मैंने कहा 102 नंबर की चाबी दे दो, तो कहते कि 102 में तो कोई ठहरा हुआ है, मैंने कहा मैं ही ठहरा था, शराब पी के खिड़की से नीचे गिर गया था। आज यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से ड्राइव करके पहुंचे हैं, मैं कहता हूँ भाई क्या बात है यार। लेकिन आपको ये भी पता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रही भाई, ड्रिंक एंड ड्राइव मैं कभी नहीं कर रहा। देखो पार्टी थी, पार्टी के बाद मैंने टैक्सी बुलाई, फिर मैं घर पे गया। मेरा दोस्त कहता किसके घर पे गया, पार्टी तो तेरे घर पे थी। याद नहीं रहा चलो कोई एंजॉय। हम बात कर रहे थे अपने पति की, तो यहाँ पे तो कितना लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक देश में आके आपने नए तरीके से नई चीज़ें सेटल की अपने लिए, और हम सबको बहुत प्राउड महसूस कराया। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट आसान नहीं होता जो आप लोगों ने हासिल किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन। क्योंकि एक इतने बड़े देश में जहाँ दूसरी जगह पर आके अपने आप को सेटल करना और इतना बड़ा मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, और लेट आना तो बहुत ही मुश्किल होता है। उनको पता ही नहीं उनका बात हो रहा है। किधर थे, इनको नहीं पता इसकी बात हो रही है। बिठा दो ना इनको, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या हो गया, लेट क्यों हो गए? What? लेट क्यों हो गया? क्या करेंगे, क्या क्यों लेट हुए आप? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, सैटरडे को भी लेट हो गए नहीं बट धन्यवाद आप आए उसके लिए। मैं आप ही की बात कर रही थी, बैठ जाओ ना अभी दीदी। पूरा शैम्पू का बोतल उड़ेल के आए हैं सिर पे। अच्छा हम चाहते हैं जैसे आप लोगों ने इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हुए हैं, हम भी आप जैसे उनसे आपसे भी पीछे आ रहे हैं लोग, तो हम आप में से किसी से कोई काम धंधा सीखें, बिजनेस सीखें। ये ऐसे लग रहा शादी में शगुन इकट्ठे करने वाले नहीं होते हैं, हाथ में है तीन थैला। तो यहाँ पे हम कुछ चाहते हैं, हम आप में से कोई बढ़ जाए, चाहते हैं आप में से हमको बिजनेस सिखाए, काम धंधा सिखाए। अरे हम आपको पहचान गए, आप जेंट्स हैं ना, बाथरूम के बाहर फोटो लगा हुआ है आपका, नीचे लिखा हुआ जी, अरे जीजा जी भी आए हैं, अरे पाजी कैसे हैं आप, बैठो ना, ये देखो पक्का फ्री पास पे आए होंगे। अरे जो खा रहे हैं आप तो राजपाजी हैं, बड़ा प्यार लवली राजपाजी। अरे बड़ा मुश्किल होता है, अरे टिकट लेना तो बहुत आसान होता है, गए ऑनलाइन chuleka.com पे गए बुक कर लिया, पास लेना मुश्किल होता है, ऑर्गेनाइजर को बार बार फोन करना पड़ता है, आपको कहना पड़ता है याद है आपकी मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ के आया था, पूरा फॉलोअप करना पड़ता है। तो जो भी है पास दूर टिकट जो बात की बात है, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना और वो भी इतनी दूर आना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चाहते हैं जिस तरह आप बड़े बड़े लोग बने, हमें भी काम धंधा को सिखाइए, बिजनेस सिखाइए, हम सेटल हो सके। कोई है आप में से जो को बिजनेस सिखा सकता है हमको, है कोई धंधा काम धंधा सिखा सकता है? आप सिखाएंगे? आइए जल्दी आइए, थोड़ा टाइम कम है, आप आइए, आइए आइए आइए, आप आइए जल्दी, और टाइम कम है थोड़ा सा, लोग को शराब भी पीनी है, इधर आइए। आप सिखाएंगे बिजनेस? हाँ। क्या नाम आपका? टाइम स्क्वायर। मैं ये नहीं पूछा कहाँ से आए हो, मैं पूछा नाम क्या है आपका? नाम ही है टाइम स्क्वायर।
पापा का नाम मैनहट्टन मम्मी का नाम पे तुम्हारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी होगा आपको कैसे पता धोखा मारूंगी मैं तेरे फालतू बात कर रहा है मैनहट्टन ये लगता है लोग कान पे बीड़ी लगा के घूमते हैं किसके हाथ में माइक है जो ऑडियंस में बैठे हैं सबको पता चल गया ये हमारा आदमी है कोई लेके बैठा है माइक हाथ में उनके सिर में जू ट्रांसफर किया हाथ में माइक था उनके नहीं था ऑडियंस से बात हुई थी आने की बहुत धन्यवाद आपका है ये क्यों लाए हाथ में क्या बात हुआ था आने का बात हुआ था माइक लाने का बात तो नहीं हुआ तो फिर तो यहीं से आ जाता ना ड्रामा क्या करूं अब मैं तेरा सारी फ्लाइट में तूने मुझे सोनी नहीं किया पहला का रिहर्सल कर लो रिहर्सल कर लो भूल ना जाओ भूल ना ये भी चलिए इसकी बात नहीं किया था इनको आता ही नहीं है बात कर रही हूँ गाना नहीं गा रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर में ढोलकी बजाने लगता है हाँ क्या करूँ तेरा चल जा इधर देखिए तैयारी की सारी फ्लाइट में अब पता तो चल गया जो तैयार किया है करके दिखा दें क्या जोर से बोलो माता का भगत है ये तारा रानी की कथा सुन के जाएंगे आज हमारे से समझे चलो क्या काम करते हैं आप जूतों का खाने का बेचने का दुकान पे फिर ये माइक लेके जाते हैं आप चलिए बेचिए कैसे करते हैं बिजनेस बिजनेस बहुत सिंपल होता है उसमें चीजें शादी हो गया हो गया बीवी को प्यार करते हो कभी कभी बिजनेस सिखाओ कैसे करते हैं बिजनेस बहुत सिंपल होता है हमारे हस्बैंड उनको प्यार नहीं करते इनको आता ही नहीं है बात कर रही हूँ गाना नहीं गा रहे हैं चलो सीखा क्या करते हैं बिजनेस में चीजें बेचते और खरीदते तूने तो मेरी एमबीए करा दी इतनी देर में ही करते कैसे हैं बिजनेस में करूं क्या सिखाना बेचते खरीदते तो मुझे भी पता है मैं आपको सिखाता हूँ चीजें बेची कैसे जाती है सिखाना मान लो मैं दुकानदार हूँ आप ग्राहक हो मैं क्यों मानू तूने मेरी बात मानी थी बाइक लेके आ गया चल मान लिया मैं दुकानदार हूँ मैं सिखाऊंगा आपको चीज़ें बेची कैसे जाती बेच के बता आप दुकानदार मैं ग्राहक तो बेची कैसे मैं ग्राहक बन के आती हूँ आपकी दुकान में आप बताइए चीज़ें कैसे बेची जाती हैं ठीक है टिंग टॉन्ग दुकान में घंटी नहीं होती इतनी बड़ी दुकान को भी घंटी तूने लगाई है फिर काहे की दुकान है ये ठक 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 दरवाजा खुला है दरवाजा कौन लगाता है दुकान में घर के ड्राइंग रूम में खोली है क्या दुकान हाँ बोलो लाला जी नमस्ते नमस्ते क्या हाल है 2 किलो गुड़ की बोतल दे रहा गुड़ की बोतल नहीं होती आपका सवाल ही गलत है फिर से आना हमको आता ही नहीं है ए, मेरा सवाल गलत हो रहा है तो ढोलकी बजा रहा है मत बजा मत ना ना मत बजा लाला जी नमस्ते नमस्ते 2 किलो गुड़ बोतल में डाल के देना गुड़ बोतल में नहीं होता आपका सवाल ही गलत है एक काम करो आप जब चीजें खरीद नहीं सकते हो बेचोगे कैसे बिजनेस कैसे करोगे मैं सिखाता हूँ चीजें खरीदी कैसे तू जो माइक लेके आ गया हाथ में तू सिखाएगा आजा सिखा अब मैं दुकानदार तू ग्राहक तू सिखा रहा है कि चीजें कैसे खरीदी जाए आजा एक मिनट हमारी दुकान पर घंटी लगी हुई है टिंग टॉन्ग उस तरफ लगी हुई है टिंग टोंग ये दूसरे के दरवाजे के बजा रहे हमारे घर की नहीं लगी हुई टिंग टोंग ये वाले नहीं शी वाले लगी हुई है जी इतनी नहीं और बजा जी बजाओ ना घंटी
क्या सांस फूल रहा है क्या? बजाओ ना घंटी। मिक्सी चला रहा है कि घंटी बजा रहा है? दिख नहीं रहा, दरवाजा खुला है। भाई साहब नमस्ते। मारो गीते है मन। भाई साहब लग रही हूँ देखो मैं। 40 मिनट लगे तेरी माँ को तैयार होने में। भाई साहब बोल रहा है, एक हाथ में माइक लेके आया है, ऊपर से भाई साहब बोल रहा है। 70 का सीजन नहीं है, फिर भी झूठ की लाई। इंडिया से आने नहीं दे रहे थे फूल। कैसा बोल रहा है? स्टेज पे। सो इफ यू डोंट माइंड मैं पंजाब से हूँ, कैन आई डू गिद्दा विद द गर्ल्स? जोर से बोलो। 1, 2, 3, 4। भाई साहब आप काहिक पे बजा रहे हैं, 4 पे बजाइए। 1, कौन सा फोन आ गया मार्केट में नया? 1, 2, 3, 4। 4 पे उसने बोला, 4 पे बजाना है। 1, 2, 3। हेलो हेलो, तू फोर्स में जब है आई। गीता, हाँ जी, हाँ आ जाओ आ जाओ। वैसे मैं लेट चेंज में क्या ना, अमित जी शो करवा रहे हैं। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। बस थोड़ा 20% रह गया, पेमेंट उन्होंने करवा दी उन्हें देना। थैंक यू दर्शन जी, थैंक यू सो मच। साई INC ते बालाजी एंटरटेनमेंट, दर्शन जी, अमिता जी इथों ते सचिन मानसी सुमित, थैंक यू। तो रॉकी बाजी आए नहीं है, उन्होंने भी थैंक यू। 1, 2, 3, 4। इन्होंने थैंक यू बुलवाई ना सारी रात तक, तो इन्होंने थैंक यू है भी। थैंक यू दर्शन भाजी, थैंक यू अमित जी। चलो जी बजा दे म्यूजिक मामा। देखो ऐसे नहीं करना, ताली नहीं मारनी, ऐसे लग रहा है जैसे रोटी बनाने के बाद आटा नहीं चाटते, वैसे नहीं करना। मान लो राइट साइड में मच्छर है, मच्छर आपको मारना है, और मच्छर मारो राइट साइड में, मच्छर है बुढ़िया, मच्छर मारो। बैठो चुपचाप। राइट साइड में मच्छर है, मच्छर आपको मारना है। ये तो छोटा सा डॉगी है, पप्पी, उसको भगाना है आपको। शू शू द पप्पी, प्यारा सा डॉगी है। शू शू द पप्पी, शू बस करो, कितना कर लो। शो दे पप्पी जी, ओ पप्पी ने उठे जाना है, जने एक प्यार ना। 1, 2, 3, 4। यार कोई तेरे पास स्लो सा गाना है, मीठा सा कोई गा दे, तो कितना का प्रॉब्लम।
और मैं भरा पूरा मर्द हूँ, साड़ियाँ वाड़ियाँ वैसे पहननी आती है मेरे को, और मैं अच्छी अच्छी साड़ी पहनने वाले को चैलेंज कर सकता हूँ, उनसे जल्दी पहन लेता हूँ मैं। तो थैंक्स, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया अपने आप को देखने का, बहुत बड़े सीरियसली आप लोग तो फिर भी हम जैसे जो लोग होते हैं वो टीवी पे स्क्रीन पे देख लेते हैं फिल्मों में, लेकिन जो लोग इतना प्यार करते हैं स्क्रीन के उस पार, उनको पर्सनली देखने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, फुल ग्रेटिट्यूड आप लोगों के लिए। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए, और मैं अभी हूँ थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट आपसे बात, बस टाइम है ना 15 मिनट, जोर से बोले है ना, क्योंकि हमारे पास जो है तो बस उतना ही टाइम लूँगा, मुझे पता है सबने शराबें पीनी है तो। बट हेलो हेलो हाय, थैंक यू सनी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट सो ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल फॉर अस, थैंक यू सो मच। कैन हियर वो सनी एवरीवन, सनी मैं आई कम इन सर्स, कहते हैं अंदर आने की इजाजत मांग रहे हो कि धमकी दे रहे हो, नाम क्या आपका? वीरू कहते हैं मुझे। कहते हैं कौन कहते हैं? मेरे मम्मी डैडी कहते हैं, और कौन कहते हैं? तो वीरू ये बताओ, कहीं आग लग जाए तो आप क्या करोगे? मैं उन कुत्तों का खून पी जाऊंगा जिन्होंने आग लगाई। क्या किसी कुत्ते ने लगाई? किसी जलती हुई बीड़ी फेंक दी? मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? जेलर साहब। कहता जेलर नहीं यार, मैं फायर ब्रिगेड में काम करता हूँ। मेरा मतलब फायर ब्रिगेडियर साहब, ये जो बिल्डिंग होती है ना, ये हमारी माँ होती है, माँ। कहते मोहल्ला आपका बाप होता है, अब चले यहाँ से। वो चले गए। जो नेक्स्ट कैंडिडेट आए मान लो कि, तो शाहरुख खान साहब का सर। कहते नाम क्या आपका? राजू। राजू बन गया जेंटलमैन। कहते बस अब जेंटलमैन नहीं, फायरमैन की इंटरव्यू चल रहा है, ये बताइए कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? मैं कहते हंस के दिखा देंगे। से पहले मान लो दारा सिंह है भाई, ऐसा है मैंने आग याद नहीं है, सबसे पहले हम लस्सी पिएगी, उसके बाद पहले पेट की आग बजा के फिर बजाएंगे आग। मान लो सिद्धू भाजी, भाई देखो भाई बाल्टी में मिला के सर्प बना देनी है, झाग फेंकना दीवार पे बुझ जाएगी आग, मैंने ठोकूंगा। अच्छा वो जो लेजेंड क्रिकेटर है कपिल देव साहब, बहुत सिंपल होता है आग बुझाना, जितने भी यंग प्लेयर्स हैं उनको आग बुझाने के लिए भेजेंगे, एंड आई थिंक दे विल डू अ गुड जॉब टू आग बुझाने के लिए। बड़े फेवरेट एक्टर हैं इरफान खान साहब, दुनिया में नहीं है पर कलाकार हमारे दिलों में हमेशा से जिंदा होते हैं, हमारे साथ होते हैं उनकी कला के जरिए। मान लो वो होते, अरे भैया ऐसा है मतलब भूख मारेंगे आग बुझ जाएगी। कहते भाई साहब आपके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हमारे हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड मजा आ जाएगा ऐसी आग बुझाएंगे। अच्छा दिस इज फॉर द पंजाबी इन द हाउस जो इतने पंजाब में, मेरे एक बहुत ही फेवरेट एक्टर है बचपन से, दूसरे लोगों को जो पंजाबियों को थोड़ा शायद उनको भी जानते होंगे बट पंजाबियों को ज़्यादा फिल्मों में होते, पंजाबी फिल्मों में मेरे मित्तल साहब वो भी, तो आप ऑफ कोर्स तो मैं हाय हाय मैं क्या करने का जी यार,
मैं आज का फूका मार मार के बजा देनी अग हाय हाय पहला थोड़े कालजे की अग बजावा फिर मैं क्या तेरी अग बजावा अच्छा मान लो अज देखो मैं यहाँ पे आग बुझाने नहीं आया हूँ मैं तो ये बताने आया हूँ तुम्हारे घर में आग लग गई पहुंचो दाने दाने में बुझाने का स्वाद आता मान जी से अच्छा मान लो बच्चन साहब वैसे नाम क्या आपका नाम तुम्हारा बाप होता है नाम है चंचन कहता डैडी कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे तो क्या करेंगे मैं सर आप सबसे पहले हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आइए स्वागत आपका अमिताभ बच्चन असली न्यूजर्सी के लोगों के सामने खुले पटन के साथ समय कम होने की वजह से यहां खड़ा हूं बटन बंद कर देते भाई साहब इससे अच्छा तो एक कविता सुनाना चाहता हूं सब उनका पुलटा करके दे गए आप एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती वाईफाई और ब्लूटूथ में कभी तार नहीं होती कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अटलांटिक सिटी में इस तरह के कार्यक्रम देखने में खर्चा तो बहुत हो जाता है टिकट का नहीं लेकिन यहाँ जुआ जो खेल के जाएंगे अब उसका मुझे ऑल द बेस्ट रेडियो संध्या खेल खेलना चाहता हूँ कौन बनेगा अच्छा पति और इस खेल के लिए मैं बुलाना चाहूंगा फिर दो लोगों को एक कपल को जो यहाँ पे मेरे साथ खेलना चाहते हैं कोई है जो मेरे साथ खेलना चाहता है कपल एक कपल कपल एक पति पत्नी जो कि लेजिटिमेट शादी हुई हो आदमी की अपनी पत्नी हो तेरे मुझे तो आ जाते छोटे हाँ जी अच्छा आप दोनों खेलेंगे आइए 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 जल्दी आइए बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए आइए सर आइए मैम आइए कार्ड तो उतारना था नहीं तो लोगों को लगता कि पक्ष में बुला लिया आइए बहुत बहुत धन्यवाद समय कम दो मिनट का समय है आइए जल्दी से आप बन पाएंगे अच्छे पति की नहीं डिसाइड करता है सबसे पहला सवाल पूछने से पहले आपका नाम बताइए विक्रम जल्दी बताइए विक्रम जल्दी विक्रम मैम आपका निशा क्या निशा निशा और विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद ठीक ठाक रोज बता देता हूँ चलती गेम छोड़ के नहीं जाएंगे बाथरूम करने नहीं जाएंगे
कभी एक चाटा उसको देख के दूसरे का भी मन करता है। कोई कंप्यूटर नहीं होगा, जो सवाल होंगे मेरे मुंह पर होंगे। ठीक है, चलिए खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अपने यहाँ पर चिड़िया बोल, तोता बोल, तोता बहुत उड़ रहा भाई साहब, कबूतर बोल, एरोप्लेन उड़, ओ गलत चला, जेट एयरवेज का प्लेन था, आजकल नहीं उड़ रहा है, अब क्या करेंगे। चलिए आप आए हैं ऑल एक्सेस कार्ड लेके, आप ही के साथ खेलते हैं, कौन बनेगा अच्छा फतेह। सबसे पहला सवाल ये रहा मेरे मुंह पर, कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 6 साल। काफी समय, कहाँ से हैं वैसे? मुंबई। एक्सरसाइज का टाइम मिल जाता है? नहीं, बताने की क्या जरूरत थी। इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठने का सही तरीका क्या है? मुर्गा बन के उसमें तो अंडा दिया जाता है। इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठने का सही तरीका क्या है? नहीं, आप चाहे तो पाइपलाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको बैठने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश टॉयलेट है। नहीं, फिर भी भूल तो नहीं गए आप अपने रूट्स? नहीं, आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ए बी सी या डी, कुंडी लगा के। आप बताइए, कुंडी लगा के। ऑडियंस से पूछते हैं, ए के लिए हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बी के लिए हाथ खड़ा कीजिए, सी के लिए हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, ऐसा भी, ऐसे भी जाना है कोई? डी के लिए हाथ खड़ा कीजिए। ओ, अधिकतर लोग कुंडी लगा के जाना पसंद करेंगे। बात भी ठीक है, कुंडी लगाई हो पर जैसे मर्जी चले जाओ, किसी को क्या पता कैसे बैठे थे। कुंडी लगा के तो आप ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? हाँ, ऑडियंस से पूछ लीजिए, वो आपके साथ जाना चाहेंगे क्या? कुंडी लगा के, कुंडी लगाई जाए प्लीज। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये मिलता है टिश्यू पेपर रोल। हेलो उड़िया, इंडियन टॉयलेट है, पानी दो। समय समाप्ति की घोषणा। समय नहीं है, यहाँ के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जाने से पहले एक मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, डोंट माइंड, क्या मैं आपको गुत्थी बन के दिखा सकता हूँ स्टेज पर? yeah.